नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत से गिरने के बाद एक मजदूर को गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्बा अस्पताल भिजवाया था। दरअसल मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 78 में निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत की छत में काम करते वक्त अचानक मजदूर का पैर फिसला, जिसके कारण छत से नीचे गिर जाने के चलते मजदूर बुरी तरह से घायल हो गया था। तत्काल गंभीर अवस्था में मजदूर को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान देव सिंह पिता हरीश निवासी कृष्णबाग कॉलोनी के रूप में हुई है। लगभग एक साल से ठेकेदार के पास मजदूरी का काम कर रहा था। सूचना पर स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पीएम के लिए एम्बा अस्पताल भिजवाया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रत्येक जर्सी के बयानों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। भाई था वो ठेकेदार के पास में काम करता था। मेरे को 5:30 बजे खबर मिली कि तुम्हारा भाई नीचे गिर गया। उन्होंने ठेकेदार ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, फिर इसके बाद में मेरे को यहाँ एम्बा बुलाया और यहाँ पे मैं तो घोषित कर दिया। वो जो वहीं से बस सर, अब ये तो ठेकेदार ही बता पा रहा है, क्योंकि मैं तो मौजूद था ही नहीं यहाँ आने के बाद। कितने समय से काम कर रहा है? मेरा भाई 7 वर्ष से काम कर रहा था उनके पास। भगत सिंह। मृतक का क्या नाम? मृतक का क्या नाम? देवन यादव। ये मृतक का नाम है देव पिता हरि सिंह यादव। ये 121 कृष्णबाग कॉलोनी में रहते हैं, जो मजदूर है। दिनांक 2/5 को करीब शाम को 6 बजे के आसपास की बात है, मकान बन रहा था, न्यू मकान बन रहा था, उसमें हम माली करते हैं। हम माल या ले जा रहे हैं या ले आते हैं, समय पैर फिसल गया तो ये नीचे गिर गए। गिरने से उनकी अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। ठीक है, ये करीब 10 की ऊंचाई से गिरे। परिजन मेरे साथ में, परिजन ही उसको इलाज के लिए लेके आए थे। मेरा नाम है प्रधान आरक्षक नाथुराम यादव, थाना लसूड़िया। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। आई प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।